अभी इधर देख सकते हैं मम्मी जी, मम्मी जी कुछ कहना चाहती है, ये देखो। कहीं ना बात हो, कुछ कहीं ना देख रहे क्या कह रहे हैं, हमने कुछ कहीं ना यार। देखो कितना अच्छा इसमें दाना पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। देख सकते इसमें भी ये इसका रेसा, इसको हटा देंगे तो इसका दाना देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ, यही है बजड़ा इसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों फाइनली जो है आज इस समय टाइम कितना हो, इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं फिलहाल में उठा हूँ, अभी ब्रश भी नहीं किया और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश लिया था करने के लिए, फिलहाल में रख दिया हूँ ब्रश, अभी ब्रश नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल में जो है मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, तब तक मम्मी बोल रही है एक वीडियो बना लो खेत का, आज हम जाने वाले हैं दिल्ली, तो बोल रहे हैं घर का एक वीडियो बना लो, खेतों में क्या लगाया है सबको दिखा दो। मैं कहा चलो ठीक है। देख सकते हो उधर मम्मी बैठी हुई है नहावा के, अभी आरती होने वाला है, बगल में दुर्गा माता बैठी है, आरती होगा तो 7:30 बज रहे हैं इस समय, अभी आरती में भी चलना है। तो उससे पहले चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं हमारे खेतों में क्या क्या लगाया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं घर के खेत से, उससे पहले हम आपको दिखा दे, देख सकते हैं ये साइकिल दिख रहा है नई सी, अभी देख सकते हैं नई नवीली लग रही है, अभी ये कल ही खरीद के आई है, इसका ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा चैनल पे। तो देख सकते हैं ये कैसी लगी साइकिल, आप कमेंट करके बताइए, खुशी के लिए साइकिल ले गई थी। चलो आओ घर के खेत से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये खेत जो है अभी जोता के ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इसमें जो है आलू लगेगा। अपना ही खेत है जो आपको ये दिख रहा है, इतना ही अपना खेत है, और ये सामने देख सकते हैं ये अपना घर है, ये देख सकते हैं हरदी लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं किनारे किनारे में ये आपको दिख रहा है, ये सब जो है सूरन लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब यही यहाँ से लेके वहां तक जो है सूरन लगा हुआ है एक मेड़ा, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये जो है करेला, ये देख सकते हैं करेला लगाया गया है, मतलब खाने के लिए लगाया गया है इतना। अब चलते हैं हम आपको लेके दूर वाले खेत में, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा, तो नई वाली साइकिल लेते हैं और वहां पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या क्या लगाया गया है। तो हम साइकिल लेते हैं नई वाली, अभी इधर देख सकते हैं मम्मी जी, मम्मी जी कुछ कहना चाहती है, कुछ कही ना देख रहे क्या कह रहे हैं, हमने कुछ कही ना यार, क्या कही आरती होने वाला है। हाँ कितने बजे होगी आरती? 8 बजे। 8 बजे अभी 7:30 बज रहे हैं, आरती 8 बजे होगा, तब तो उससे पहले हम जाते हैं वहाँ खेत से होके आ जाते हैं, हम भी नहाए आएंगे आरती में चलेंगे। चलो हेलो गाइस, आप लोग आरती कर लो। चलो साइकिल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ साइकिल लेके जा रहे हैं? चलो अच्छा, अभी तो नहीं दिक्कत है, आज के लिए दिक्कत है। तो गाइस देख सकते हैं ये बगीचा है जैसे मैं ऐसे करा होता है। और तो गाइस फाइनली जो है खेत में पहुंच गए हैं अपने, और आपको हम खेत दिखाता हूँ। ये अभी खेत देखिए पूरा यहाँ से लेके वहां तक पूरा जोताया गया है, मतलब कि अभी ऐसे ही परती छोड़ दिया गया है, सरसों बोया जाएगा, देख सकते हैं सरसों चना यही सब सब बोया जाएगा, और आगे ऊख है। चलो आगे दिखाते हैं ऊख को, तो देख सकते हैं ये धान दिख रहा है ना, ये अपना नहीं है, ये दूसरे का देख सकते हैं फूट गया है, मतलब पीला पीला हो गया है। अभी चलते हैं अपना भी धान दिखाते हैं, उसमें वो भी फूट गया कि नहीं, मतलब उसमें दाने पड़ गए कि नहीं। उस साइड एक गन्ना का खेत, और इधर कोने से दिखाते हैं कितना लगाया गया है, ज्यादा नहीं, 1-2 बिस्सा लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ से लेके जहाँ पे आगे दिख रहा है आपको ना वहीं तक है, देख रहा है ना, आओ दिखाओ पास से, देखो देख सकते छोड़ा गया है, इसमें पता नहीं क्या बोया गया, मुझे नहीं पता। चलो और फिलहाल में, और ये देख सकते हैं पीछे के साइड में ये रहर लगाया गया है, यहाँ से लेके वहां तक जहाँ दिख रहा है आपको ना यहीं तक रहर अपना खेत है, बस ये यहाँ से लेके पूरा जो नींब दिख रहा है ना आपको, वो सामने वाला नींब वहां तक अपना खेत है। अब चलते हैं तीसरी जगह का आपको खेत दिखाने के लिए, खेत में पहुंच गए, तो यही है बजड़ा, यही तीसरे वाले खेत में हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बजड़ा लगाया गया है, और बजड़ा दिखाते हैं पास से इसमें दाना कैसा पड़ता है। देखो देखो कितना अच्छा इसमें दाना पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, देख सकते हैं इसमें भी ये इसका रेसा, इसको हटा देंगे तो इसका दाना देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ, यही है बजड़ा इसे कहते हैं, देख सकते हैं। अब इसको जो है जब इसमें अच्छे से पड़ जाएगा और सूखा हो जाएगा, टाइट जब हो जाएगा इसका दाना, अभी देखें नरम दाना है इसका, तब जो है इसको घर पे चल के पीट के इसका दाना निकाल के इसका लिट्टी बनाओ, या भुजा के खाओ, या इसका वो क्या बनाते हैं इसका
ढूंढा बनाते हैं, कुछ भी बनाओ तो ढूंढा जो होता है ना, लाई वाला ढूंढा, बजड़ा वाला ढूंढा, वैसे ही इसका भी ढूंढा बनाया जाता है। और इसके आगे ये हम दिखाते हैं धान, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए कितना ओस पड़ा हुआ है, पूरा ओस से ये हमारा लोअर भीग जाएगा, पूरा सब भीग जाएंगे। तो फाइनली देख सकते हैं यही धान है, और धानों में देख सकते हैं ये दाना भी पड़ गया, दिख रहा है ना पूरा दाना पड़ गया है। मतलब इसको हम नकोल के भी देखते हैं, ये आपको दिखाते हैं पास आई रहा है, देखो देखिए हम नकोल रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं ये दाने भी पड़ गए हैं। देखो ये लगभग 10 दिन में काटने लायक हो जाएगा नाराज। और ये देख सकते हैं दूसरे का खेत है, ये भी फाइनली पकने के ही कगार पे है, पूरा पक गया, मतलब कि अभी 10 दिन का और टाइम लेगा, 10 दिन के कटना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस फाइनली आपको सारा चीज अपना दिखा दिए, हमारे पहले खेत में क्या लगा हुआ है, दूसरे खेत में क्या लगा हुआ है, तीसरे खेत में भी आपको दिखा दिए क्या क्या इस समय खेती हमारे खेतों में हुआ। अभी एक खेत और बचा है दोस्तों, दूर का खेत है इसलिए वहां पे नहीं गए, वहां पे हम आपको बता देते हैं, वहां पे धान ही लगा हुआ है, वनली धान, और धान का कंडीशन यही है, साथ में ही लगाया गया था। तो ऐसे जैसे यहाँ पे धान है वैसे वहां भी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और ये आपको सब कुछ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट तो कर ही दीजिएगा कुछ ना कुछ, और आपको कुछ इसमें सजेशन देना है वो भी आप कुछ बोल सकते हो, कुछ ना कुछ आप कमेंट कर दीजिए। और अभी आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से ब्लॉग इस चैनल पे हमारा वीडियो पर्सनल ब्लॉग आपको इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।